A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. I am your computer teacher Sukriti, and students, today we are going to discuss further fifth chapter, that is Excel creating charts. So last time in the class we discussed about the different chart types. So today we are going to talk about how to create a chart. So let's get started. A chart is a graphical representation of data. तो एक जो चार्ट होता है ये बेसिकली आपके डेटा का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. मीन्स कि किस तरीके से आप अपने डेटा को ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. यू कैन क्रिएट अ चार्ट टू कंपेयर डेटा एंड व्यू पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इजीली. आप अपने चार्ट्स को क्रिएट करने के बाद अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हो, डिफरेंट पैटर्न्स को देख सकते हैं और डिफरेंट ट्रेंड्स जो भी आपके डेटा के अंदर बन रहे हैं उसको बहुत ईजिली देख सकते हैं. After creating a chart, you can use chart tools on the ribbon to fine-tune the chart to display and explain the data. Charts को create करने के बाद आपके पास charts tool का एक basically option होता है जो कि आपको charts को बहुत अच्छे से explain करने में help करता है और उस particular charts की help से आप data को बहुत अच्छे से explain कर सकते हैं. So now, enter and format the data as shown in the project by using the various features of Excel. So students, already we have studied about how we can enter and format the data using various features of Excel. उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट द रेंज ऑफ डेटा दैट यू वांट ऑन चार्ट. तो सबसे पहले तो आपने जो भी डेटा अपने वर्कशीट के अंदर एंटर किया है उसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट. उसके बाद यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऑन द रिबन. उसके बाद आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट क्लिक ऑन ए चार्ट टाइप फ्रॉम द चार्ट्स ग्रुप. तो हमारे पास वहाँ पर एक चार्ट्स ग्रुप खुल जाएगा और वहाँ पर आप चार्ट टाइप पर सेलेक्ट करेंगे. आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन अ चार्ट स्टाइल. तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट स्टाइल्स के. सो हेयर इन द सेकेंड डायग्राम यू कैन सी आपके पास एक पूरा बहुत सारे चार्ट स्टाइल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है, कॉलम बेसिकली है डिफरेंट डिफरेंट. ओके, सो नाउ एक्सेल इमीडिएटली क्रिएट्स अ चार्ट एंड प्लेसेस इट ऑन द वर्कशीट. तो जैसे ही आप एक पर्टिकुलर चार्ट स्टाइल को सेलेक्ट करते हो तो वो पर्टिकुलर चार्ट आपकी वर्कशीट के ऊपर आ जाता है. ओके, सो एक्सेल डिस्प्ले टू चार्ट टैब्स. तो यहाँ पर आप ऑरेंज पॉइंटर से देखिए तो वहाँ पर आपके पास दो चार्ट टैब्स हैं, वन इज़ डिज़ाइन एंड द अदर वन इज़ फॉर्मेट. तो इन दोनों की हेल्प से हम चार्ट्स के अंदर काम कर सकते हैं. आफ्टर दैट अगर आप हम यहाँ पर पर्पल पॉइंटर से देखेंगे तो इफ़ यू वॉन्ट टू मूव द चार्ट टू इट्स ओन शीट. अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा चार्ट है वो अपनी एक शीट के ऊपर प्लेस हो जाए या मूव हो जाए तो अब आप क्या करेंगे, यू विल क्लिक ऑन द मूव चार्ट ऑप्शन ऑन द डिज़ाइन टैब एंड चूज न्यू शीट. ठीक है, तो आप वहाँ पर मूव चार्ट पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू शीट का, वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे. तो इस तरीके से आप अपने चार्ट को मूव कर सकते हैं. ओके, सो नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज क्रिएटिंग अ रिकमेंडेड चार्ट. ओके, यू कैन क्रिएट अ चार्ट बाय चूजिंग फ्रॉम वन ऑफ द चार्ट कॉन्फ़िगरेशंस रिकमेंडेड बाय एक्सेल. तो जैसे कि अभी हमने बात करी, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट चार्ट स्टाइल्स होते हैं. ठीक है, तो हमारे जो एक्सेल होता है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट चार्ट कॉन्फ़िगरेशंस रिकमेंड करता है कि हमारे डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा चार्ट उसके लिए सूटेबल है. द रिकमेंडेड चार्ट्स कमांड एग्जामिन्स योर डेटा एंड देन शोज द पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस दैट वुड वर्क विद योर डेटा. तो हम जो रिकमेंडेड चार्ट्स कमांड होती है ये बेसिकली हमारे डेटा को अच्छे से एग्जामिन करती है, मतलब देखती है और उसके बाद जो भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं हमारे डेटा के लिए उसके ऊपर वो वर्क करती हैं. और इस तरीके से इट विल सेव योर टाइम और इस तरीके से आपका जो टाइम है वो भी कम लगता है और आपका टाइम बच जाता है. सो नाउ हेयर वी आर गोइंग टू सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द रेंज ऑफ डेटा दैट यू वॉन्ट ऑन चार्ट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर डेटा को सेलेक्ट करेंगे जो हमें अपने चार्ट के ऊपर डिस्प्ले करना है. सेकेंड, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऑन द रिबन. तो जैसे कि हमने पहले भी किया था, हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे और इंसर्ट टैब को हम क्लिक करेंगे. ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन रिकमेंडेड चार्ट्स. तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है रिकमेंडेड चार्ट्स का, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे. So after this, the insert chart dialog box appears with the recommended charts tab displayed. तो वहाँ पर आपके पास एक insert chart का dialog box open हो जाता है.
सो आफ्टर दिस यू विल क्लिक द चार्ट टाइप यू वॉन्ट टू यूज़. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट टाइप्स है. तो जो भी चार्ट टाइप आप यूज़ करना चाहते हैं आप उस पर्टिकुलर चार्ट टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं. सो राइट हैंड साइड पर जिस भी पर्टिकुलर चार्ट टाइप आप सेलेक्ट करते हो तो उसका वो प्रिव्यू आपको शो करता है कि किस तरीके से आपका चार्ट आपको डिस्प्ले होगा, वो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पर दिख रहा है. ओके, सो आफ्टर सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर चार्ट टाइप यू कैन क्लिक ऑन ओके. सो इस तरीके से हमारा जो एक रिकमेंडेड चार्ट है वो हमारी शीट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा. सो हियर यू कैन सी कि हमारा जो डेटा है वो डिस्प्लेड है और यहाँ पर हमारे पास जो पर्टिकुलर चार्ट हमने सेलेक्ट किया वो वहाँ पर आ चुका है. सो इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी रिकमेंडेड चार्ट को. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फास्ट वे टू इंसर्ट द रिकमेंडेड चार्ट, कि हम किस तरीके से रिकमेंडेड चार्ट को फास्टली अपनी वर्कशीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी क्या हो कैसे होगा ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द रेंज ऑफ डेटा दैट यू वांट ऑन चार्ट. तो सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे जो आप अपने चार्ट के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं. आफ्टर दिस क्लिक ऑन क्विक एनालिसिस स्मार्ट टैग. इसके बाद आप क्विक एनालिसिस स्मार्ट टैग के ऊपर सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, जैसे हम उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक चार्ट्स टैब का खुल जाएगा ऑप्शन. तो हम जैसे ही चार्ट्स टैब पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चार्ट टाइप्स के चार्ट्स टाइप्स खुल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर क्लस्टर्ड कॉलम है. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे. सो जो भी चार्ट टाइप हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी हम चार्ट टाइप यूज़ करना चाहते हैं, हम उस पर्टिकुलर चार्ट टाइप को क्लिक कर देंगे और वो पर्टिकुलर चार्ट टाइप हमारी वर्कशीट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा. सो इस तरीके से हम रिकमेंडेड चार्ट को बहुत फास्टली अपनी वर्कशीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मूविंग एंड रीसाइजिंग अ चार्ट. तो जैसे कि हमारा टॉपिक ही बता रहा है कि कैसे हम किसी भी चार्ट को मूव कर सकते हैं और रिसाइज कर सकते हैं. यू कैन मूव एंड रिसाइज चार्ट ऑन योर वर्कशीट टू मेक द चार्ट ईजियर टू रीड. तो हम अपने चार्ट को मूव भी कर सकते हैं और रिसाइज भी कर सकते हैं वर्कशीट के अंदर, ताकि हम अपने चार्ट को बहुत ईजीली रीड कर सकें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मूविंग अ चार्ट, कि किस तरीके से हम अपने चार्ट को मूव कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन एन एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारे चार्ट का एम्प्टी एरिया है उसको आप क्लिक करोगे. एक्सेल सेलेक्ट्स द चार्ट एंड सराउंड्स इट विद अ बॉर्डर एंड हैंडल्स. तो जैसे ही आप अपने चार्ट को सेलेक्ट करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उस पर्टिकुलर चार्ट को क्या कर लेता है, एक सराउंड कर लेता है एक बॉर्डर के साथ. मतलब चारों तरफ उसके एक बॉर्डर आ जाएगा और साथ साथ वहाँ पर हैंडल्स आ जाएंगे. द माउस पॉइंटर चेंजेस टू ड्रैग. ठीक है, तो जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद जो हमारा माउस पॉइंटर है वो इस पर्टिकुलर सिंबल की तरफ आ जाएगा, जैसे कि ड्रैग का ऑप्शन होता है हमारे पास. क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट टू द लोकेशन यू वांट. तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप उस पर्टिकुलर चार्ट को, तो अब आपका जो माउस पॉइंटर है वो इस पर्टिकुलर ड्रैग वाले पॉइंटर में चेंज हो जाएगा. अब आप क्या करेंगे, यू विल क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट टू द लोकेशन यू वांट. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप क्लिक करोगे और उसको ड्रैग करते हुए उस पोजीशन पे या फिर उस लोकेशन पे ले जाओगे जहाँ पर आपको अपने चार्ट को मूव कराना है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रैग कराया गया है इस पर्टिकुलर चार्ट को. तो जिस भी लोकेशन पर आपको अपने चार्ट को लेके जाना है, अब जब आप उस लोकेशन पर पहुंच जाते हो तब आप क्या कर दोगे, अपने माउस बटन को रिलीज़ कर दोगे, छोड़ दोगे. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो वो पर्टिकुलर चार्ट है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन की तरफ मूव हो जाएगा. सो इस तरीके से हमने अपने चार्ट को मूव करा लिया है एक्सेल के अंदर. ओके, सो द सेकेंड टॉपिक इज़ रीसाइजिंग अ चार्ट, कि अब हमें चार्ट को रीसाइज करना है, या तो उसको बड़ा करना है या फिर उसको छोटा करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्लिक ऑन एन एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट. तो हम क्या करेंगे, अपने चार्ट का जो भी एम्प्टी एरिया है वहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेंगे. सो एक्सेल सेलेक्ट्स द चार्ट एंड सराउंड्स इट विद द हैंडल्स. तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो उस पर्टिकुलर चार्ट को सराउंड कर लेगा और उस सराउंडिंग्स में हमारे पास हैंडल्स आ जाएंगे. ओके, मूव माउस ओवर द हैंडल ऑफ द चार्ट. तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने माउस पॉइंटर को हैंडल के पास लेके जाना है
ठीक है, द माउस पॉइंटर चेंजेस टू दिस साइन, ठीक है, तो हमारा जो माउस पॉइंटर है वो इस पर्टिकुलर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. बेसिकली देयर इज अ लाइन विद टू एरोज. ओके, आफ्टर दिस क्लिक ऑन अ हैंडल एंड ड्रैग इट टू रीसाइज द चार्ट. तो अब सपोज कीजिए कि आपको अपने चार्ट को बड़ा करना है या फिर छोटा करना है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने इस हैंडल को ड्रैग कर सकते हो ताकि आप अपने चार्ट को पर्टिकुलर साइज दे सकें. तो अब आपको देख रहे हो यहाँ पर आप कि जो हमारे पास पर्पल कलर है, तो वहाँ पर वो क्या बता रहा है, अ शेडेड बॉर्डर रिप्रेजेंट्स द चार्ट एज यू रीसाइज इट ऑन द वर्कशीट. तो यहाँ पर जो शेडेड बॉर्डर है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अपने चार्ट को रीसाइज कर लिया है. ठीक है, जो भी आप रीसाइज करके जो आपका साइज आएगा, तो ये पर्टिकुलर सराउंडिंग या बॉर्डर आपको वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है. सो जैसे ही आपने अपने चार्ट को रीसाइज कर लिया है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने माउस बटन को रिलीज़ कर देंगे. मतलब अभी तक आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ था, अब अपने माउस बटन को आप रिलीज़ कर दोगे. सो अब आपने जो भी साइज उस पर्टिकुलर चार्ट को दिया है, जिस भी साइज में आपने रीसाइज किया है, तो वो पर्टिकुलर आपका चार्ट उस साइज में आ जाएगा आपके सामने. सो देखिए, अब यहाँ पर आपके पास इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो आपका चार्ट है वो इंक्रीज हो चुका है साइज में, और प्रीवियस वन जो था आपके पास वो इस तरीके से था. ओके, सो इस तरीके से हम अपने चार्ट को मूव भी कर सकते हैं और रीसाइज भी कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल बी कवरिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू सो मच.